आप देख रहे हैं faceTV.pk। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेस टीवी डॉट पी के, मैं हूँ तौसीफ अहमद। नाजिन, आजकल पीडीएम के जलसों का बड़ा शोर है और इसके साथ साथ 13 दिसंबर का जलसा जो होने जा रहा है मीनारे पाकिस्तान में, उसका बड़ा चर्चा है। और पीडीएम जो इस वक्त चाहती है वो ये चाहती है कि बस हुकूमत अब घर चली जाए और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हमने पीडीएम का जो जलसा 13 दिसंबर को होने जा रहा है उस पर बात करनी है। नवाज शरीफ ने जो एक स्टेटमेंट दी कि खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे से बड़ा हम मजमा मीनारे पाकिस्तान पर लगाएंगे, उस हवाले से लोग क्या कहते हैं और क्या ये कामयाब पावर शो कर पाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे लोगों से। नवाज शरीफ है कहना है कि ऐसी मीनारे पाकिस्तान से खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे तो वड्डा मजमा लाना है, हो सकता है? इन्हां कोले मजमा कोई नहीं लाना, पैसे दे के लोगों नूं लैके आ रहे ने और इन्हां दा कोई फॉलोअर नहीं, इन्हां दी कोई सियासत नहीं। जमहूरीयत इस चीज़ नूं नहीं कहिंदे कि पहले ये आए ने फिर ये बच्चे आ जाण, नहीं। जमहूरीयत इहनूं कहिंदे ने कि ये आवाम आवे। पहलों ये वज़ीरे आज़म सी, भरा नूं वज़ीरे आला बना दिता, ये भी गलत किया। उस तो बाद इन्हां दीआं औलादां ने मुल्क नूं लुटिया है, शहबाज शरीफ के बच्चों ने लुटिया है, लुट के तो बाहर चले गए ने, पैसा लैके बाहर चले गए ने। इन्हां नूं ये चाहिए कि ये हुण सियासत नूं छड्ड देण, ये चुप करके, इन्होंने बहुत लुट लिया है। अल्लाह अल्लाह करन, तौबा करन, अल्लाह करो तौबा इस्तगफार करन। मैं इन्हां नूं ये मशवरा दे रहा कि तौबा इस्तगफार करन। इस वेले इमरान खान ईमानदार लीडर है और इंशाअल्लाह ताला वो मुल्क नूं बहुत उत्ते लैके जाएगा। पूरी पीडीएम 11 जमातां ने जी, एक पासे वो 11 जमातां ने ते दूसरे पासे सिर्फ इमरान खान कल्ला है। ए आपस से लड़ते रहेंगे तो आवाम का कौन सोचेगा? तुसी समझते हो कि जलसा भी कामयाब हो जाएगा, हुकूमत डिग जाएगी? देखो जी, आवाम का किसी ने कुछ नहीं सोचना हाले और ना ही सोचते पैन ने। असल जी गल ये कि तुसी देखिए कि इंडिया की एक फिल्म हैगी है, आज का एक दिन का प्राइम मिनिस्टर, अनिल कपूर ने बनाया सी उन्होंने। अनिल कपूर वाले सेम वही चीज़ आ रही है कि अनिल कपूर ने एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना के सारी कैबिनेट तो वही है, कैबिनेट ने शाखा खिल रही हैं, सारे शाख यानी कि उन्होंने लोग ने, उन्होंने लोग ने तो उ आए ने। जलसे कुछ भी नहीं, अपने सोचते पेने, सिर्फ अपनी सोच सोचते पेने कि जेड़ा इन्होंने कुछ किया कराया हो ना कि उन्हें तो मिट्टी पै जाए, वो खत्म हो जाए, असी आ जाइए फिर साढ़ा दोबारा नए सिरे तो फिर शुरू कर लिया अपना तरीकाकार। पीडीएम बड़े जोरों शोर के साथ जलसे कर रही है और सबसे बड़ा जलसा वो दावा कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान पे करेंगे, सबसे बड़ा जलसा और मजमा होगा और बस उससे पहले या उस जलसे के टाइम या बाद में हुकूमत घर चली जाएगी उसके बाद। क्या समझते हैं ये हो पाएगा? ये मौलाना फलूदा जिसका नाम है, वो मौलाना साहब हैं, पता नहीं कौन से मौलाना साहब हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बातें करते हुए इनको, ये पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, मुझे नहीं समझ आती कि मौलाना फजल साहब को अपना घर जाके कोई इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए। ये देखिए क्या हालात है कि कोरोना कोविड कैसे फैला हुआ है, इनको ज़रा एहसास नहीं है कि ये जलसे जुलूस करते हैं। ये बीबी जो का ये नवाज शरीफ की जो बेटी है, अपने आप को नवाज शरीफ वो कहती है, मरियम नवाज, से शर्म आनी चाहिए इसको। चाहे अपने बाप अपने मियाँ का नाम ही मार दिया इसने, अपने मियाँ का नाम लेना चाहिए, उस माँ बाप के बाद इसके मियाँ का नाम होता है। तो ये तो पहली बात ये है कि ये लोग ही गलत है, ये ज्यादती कर रहे हैं, आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप देखें, यकीन करें, मेरे दोस्त हैं कुछ जो इस वक्त क्रिटिकल हालत में है, वेंटिलेटर पे हैं, वो कुछ तो मर गए हैं उनमें, कुछ दोस्त हो जो हमारे, तो बड़ी बुरी हालत है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको जल्द से जल्द नहीं कर। मुल्क का नुकसान होगा या मुल्क का फ़ायदा होगा? ये नवाज शरीफ जरदारी ये एक ही है, ये चिट्टे पट्टे एक ही हैं, इनको इनके अलावा इनके अपनी मफाद के अलावा कुछ नहीं। वो एक तो उसका बेटा है खुसरी और ये जो मरियम नवाज है, इसको मैं क्या बोलूँ, इसकी तमीज़ को, इसको शर्म आनी चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि वो घर चला जाएगा आर या पार, क्या कह रहा आर के आर पार, ये खुद तो गद्दार है, इसका बाप क्यों नहीं आता पाकिस्तान में, क्यों नहीं, इसको आना चाहिए पाकिस्तान में, फेस करना चाहिए माँ के लिए। वो कहते हैं मुर्दे दफनाने के लिए पाकिस्तान और नोट दबाने के लिए जो इंग्लिस्तान, ये तो इनका रवैया है, इनको नहीं चाहिए ऐसा कर रही। शर्म, हम गरीब लोग हैं, हमारा लिहाज करना चाहिए, हमारा कारोबार नहीं है। आपका किसी ने नहीं सोचना, सिर्फ ये अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं, सीट के लिए, क्या वो एक अपने प्यो बचा रही है और दूसरी अपने प्यो बचा रही है, बस और कुछ भी नहीं। सियासत जी अपने बड़ों को बचाने के लिए है जी, और
आप क्या समझते हैं, ये कहते हैं जी हम इस जलसा करके हम ये हुकूमत को गिरा देंगे और ट्रैक पे आ जाएगा? कभी भी नहीं आ सकते, जब तक 5-10 साल 10 की साल एक गवर्नमेंट नहीं रहती मुल्क ट्रैक पे नहीं आ सकता। एक गवर्नमेंट 2 साल 3 साल या 5 साल में नहीं सेटिंग, क्योंकि इस मुल्क की इतनी खराबियाँ हैं, इतनी खराबियाँ आप सोच सके पास। इतनी खराबियाँ होने के बावजूद अब लोग कहते हैं कि मजीद खराबियाँ आ गई इस गवर्नमेंट के बाद, क्या इमरान खान ठीक कर लेगा? बिल्कुल, कोई तो कोई करेगा ना, इसको सुधारने के लिए भी टाइम चाहिए, ये नहीं कि भाई एक दिन रात में हो जाएगा। मैक में जितने भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ ये है कि 35-36 साल 70 साल नवाज शरीफ जरदारी ने लुटे इस मुल्क नू, इन बगैरतों को शर्म नहीं है, ये मर जाना चाहिए इनको, जरदारी नवाज शरीफ को, इनको कोरोना क्यों नहीं होता? मुझे तो हैरत है, इनको कोरोना होना चाहिए, पहले इनको होना चाहिए, इसके खानदान को होना चाहिए, ये बगैरत है ये, मैं इनको मुँह मेरा भले मुझे मार दे, मैं कहता हूँ कुछ शर्म कर लो, कोई यहाँ कर लो, कोई अपने मुल्क के लिए सोचो, तुम अपनी बेटी वो अबू बचाए दोनों अपने अबू बचाए, और जो मुल्क ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा नाम और निशान नहीं रहना, और तुम कोई मोहब्बत वतन बन जाओ और खुदा का बंदे हो, तुम कुछ तो शर्म कर लो, कोई मर जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा PDM आजकल जलसे बहुत ज़्यादा कर रही है, फिर 13 दिसंबर को वो ये अब दावा कर रहे हैं कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे से भी बड़ा जलसा होगा, और हम हुकूमत को गिरा देंगे, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? सर बात ये है, इसमें तो जनाजे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इनकी दोनों की आपस में सबकी मुफाद की लड़ाई है, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कोरोना के, या आपस में इन्हें, मैं तो कहता हूँ हमारे चीफ जस्टिस साहब हो गए या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, इनको ज़बरदस्ती एक टेबल पे बिठाएं और इनको बताएं कि अपने मुल्क के लिए यार आपने करना है, क्या करना है, ये आपस में एक दूसरे को धोखा देना कि जिसकी हुकूमत नहीं ठीक, ये गलत कार है, सब एक जैसे ही हैं, इन सब को ये चाहिए कि बजाय पाकिस्तान एक बुरे रास्ते की तरफ चल जाए, कभी वो इसराइल को इशू बना लेते हैं, कभी इंडिया को इशू बना लेते हैं, अगर आपका अपना घर ही नहीं ठीक तो आप बाहर क्या सबक देंगे दूसरे मुल्कों को? अगर आप जनरली तौर पर देखें तो ये खान साहब इस वक्त कुछ गलत ये कर रहे हैं कि जान के वो इनके बंदे वो पकड़ रहे हैं जिनका तल्लक ना सिर्फ लाहौर के साथ है बल्कि लोगों के साथ है और नून लीग के साथ है। यार हमारे लिए तो खान साहब ही हमारे वज़ीर आज़म है, वो खाली अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म नहीं है। भाईजान बात सिंपल सी है कि हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई है, PDM को अपनी पड़ी हुई है, तो वो चाह रहे हैं हुकूमत गिर जाए। पहले कोविड से पूरा साल हम मुतासर हुए पड़े हैं, ठीक है, उसके बाद अब ये जलसे जुलूस, गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा, उसको तो समझ नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको तो अपने एक रोटी की पड़ी हुई है, इनको अपने सियासी मुफाद की पड़ी है कि वो इलेक्शन में दोबारा आ जाए, इनको 5 साल हुकूमत करने की पड़ी हुई है, कोई समझ नहीं आ रही, मुल्क बदतरीन हालात से गुजर रहा है इस टाइम। तो ये कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान हम भर देंगे, ऐसा भर देंगे कि तारीख में कभी ऐसा जलसा नहीं हुआ होगा, तो भर जाएगा? नहीं भाई, कभी नहीं भर सकता, इस गरीब बेचारा पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, वो वहाँ कैसे इकट्ठा होगा, ठीक है, अगर ये इनको जोड़ रहे हैं वो खादिम रिजवी के जलसे से, तो वो एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग पैदल भी गए हैं, सब कुछ किया है, अपनी जान के नजराने भी दिए हैं, इनके लिए किसी ने कुछ नहीं करना, इनके लिए किसी ने नहीं आना, ये इनकी भूल है। ये जो PDM इन्होंने बनाई हुई है, इमरान खान ने तो घर जाना नहीं है, एक तो कोरोना की वजह से लोग जो हैं दिन पर दिन बीमार होते जा रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा अगर किसी बंदे को नुकसान है तो वो गरीब बंदे को नुकसान है कि उसके कारोबार पर असर पड़ रहा है, लॉकडाउन हो रहे हैं, किसकी वजह से? कोरोना की वजह से, और कोरोना किसकी वजह से फैल रहा है? वो इनकी वजह से फैल रहा है। तो बाकी अल्लाह की मदद इमरान खान के साथ है, कोई बंदा भी कुछ भी नहीं कर सकता इमरान खान का, हम ये चाहते हैं कि वो अगले 5 साल भी इमरान खान ही आए। ये तो अपने पेट की खातिर कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे बदनाम कर रहे हैं, पहले आप ये हालात थे सबका हुकूमत वाले जरदारी या नवाज शरीफ, सभी बेगैरत थे, सब बेगैरत हैं, हमारा तो आटा भी पूरा नहीं हो रहा, मजदूर लोग हैं। किस तरह ठीक होगा अब मुल्क, होगा किस तरह ठीक? ये तो जब आवाम, जब कुरान पाक फरमाता है जैसे रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे, जब आवाम दुरुस्त हो जाएगी हुक्मरान भी दुरुस्त हो जाएंगे। बाजी मरियम नवाज तो कुछ भी नहीं ना कर सकते, जो करे थे इमरान खान करेगा, क्योंकि इमरान खान शेर का शिकारी है। मरियम नवाज क्यों नहीं कर सकती, वो भी तो नवाज शरीफ की बेटी है। ये नवाज शरीफ ने जेड़ा पैसा लुटिया वो तो लै गया लंदन, तो लो साड़ी खैर खरीद वास्ते आया इतने, वो तो एक बार भी नहीं आया, शहबाज शरीफ जेल से, अमजद शहबाज शरीफ भी जेल से, नवाज शरीफ तो लगते चोर है, तो शहबाज शरीफ बंदा कम तो है, हालांकि उन्होंने भरा है। तो बिलावल भुट्टो का तो अलीपुर गंडा की कहना ना बंदा ना पता नहीं लगता बुढ़ी है।
मुल्क का गेंद, मुल्क का कोई नहीं सोच है इस बारे में, बहुत बुरे हालात हैं। आपकी नज़र में कौन सही साबित होगा मुल्क के लिए, कौन सी पार्टी है या कौन मुल्क को सही चला सकता है? मुल्क को बस अल्लाह ताला के आसरे भी चल रहा है बस। तो आप आगे किसको देख रहे हो? आगे अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन जो यंग जनरेशन आ रही है आगे, बख्तावर भुट्टो हैं, उनका सही ऑप्शन है कि शायद वो आगे मतलब मुल्क को लीड कर सकें। हाँ जी, तो लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है और जिस तरीके से हमने बात की कि पीडीएम जलसे कर रही है और जलसे ज़ोरों शोर से जारी हैं उनके, तो उन लोगों की हमने राय ली। लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ इनकी आपस की जंग है, ज़ाती मफादात हैं इनके, मुल्क के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, गरीब का कोई नहीं सोच रहा, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। उनकी उम्मीदें हुक्मरानों से वाबस्ता तो हैं, लेकिन हुक्मरान उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे, तो लिहाजा उनकी गुजारिश ये है कि आपस में लड़ने की बजाय टेबल पर बैठें, मिल बैठकर फैसले करें जो ना सिर्फ आवाम के हक़ में हो बल्कि इस मुल्क के हक़ में हो। नाज़रीन, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं face tv.pk।